दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जेई एडवांस का क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से डाउनलोड करें, साथ ही यह भी जानेंगे कि जेई एडवांस के लिए कब से कब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और इसके लिए फी कितना होगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में कि 12 वर्षों की प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड। आइए जानते हैं किस वेबसाइट से अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेई एडवांस ने पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी अपनी तैयारी व प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न पत्र डाउनलोड कर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 12 वर्षों यानी वर्ष 2007 से 2018 तक का प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट https यहाँ पर /jeeadv.ac.in archives/past-questions-papers.html पर जाकर प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यही वेबसाइट है, इनको आपको गूगल में एंटर करके सर्च मार देना है। जेई एडवांस ने दोनों पेपर के क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किए हैं। ऐसे में बीआर को प्लानिंग और बीटेक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। गौरतलब है कि इस बार जेई एडवांस आईटी रुड़की करा रहा है। आईटी रुड़की ने जेई एडवांस का ब्रोशर भी जारी किया है। ब्रोशर के मुताबिक 3 से 7 मई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 7 मई तक जेई एडवांस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 10 मई है और फी आप इसके लिए 10 मई तक जमा कर सकते हैं। भारतीय छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन फी 2600 रुपये तक तय है और विदेशी छात्रों के लिए 75 अमेरिकी डॉलर तक रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाने पड़ेंगे। तो विदेशी छात्रों के लिए 75 अमेरिकी डॉलर देना होगा और एडमिट कार्ड 20 से 27 मई तक डाउनलोड किया जा सकता है। जेई एडवांस 27 मई को है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीटेक, एमटेक की दोहरी डिग्री आदि। तो इस प्रकार से आपने जान लिया है कि जेई एडवांस के लिए कब से कब तक आवेदन लिए जाएंगे, एडमिट कार्ड कब से कब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे।